रहा। ये सजीला जो फंसने वाली थी बहुत बुरी तरीके से, मगर ये सजीला भी फंसते फंसते रह गई। और इससे पहले वैसे भी इसने डबल गेम खेल ली थी। ये सारा इल्जाम इसने शांजे पर डाल दिया था, वही लड़का जो सजीला के पास आकर मोहब्बत के दावे कर रहा था। आज शानी के साथ गाड़ी में बैठी थी तो अपने सामने देख लिया कि शानी ये तो वही लड़का है जो घर पे आ गया था, लेकिन ये हावर बाई के साथ क्या कर रहा है। तो शानी सजीला के मोहब्बत में वैसे भी दीवाना है, अगर यूं कहा जाए कि बेवकूफ है तो गलत ना होगा। उसी वक्त वहाँ पर चला गया और उस लड़के का ग्रेवान पकड़ लिया। हावर शानी को यहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या कहूँगा, मैं तो पकड़ा गया। अब हावर ने इस बात को छुपाने की कोशिश की, मगर शानी ने हावर के कुछ ना सुनी। वो सीधा जाकर सजीला के पास कि वैसे हावर भाई से बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि उन्होंने ये भी ना सोचा कि पकड़े जाएंगे और तुम्हारे मदद के लिए उसने अपने दोस्त का इस्तेमाल किया। तो शांजी कहती भी है कि कितनी बार कहूँ, ये काम मैंने नहीं किया है और प्लीज इसमें इन्वॉल्व मुझे मत करे। अब जैसे जैसे सजीला ने पट्टी पढ़ाई तो शानी ने वही कह दिया कि तुम तो यही कहोगे कि इस मामले से तुम्हारा कोई भी ताल्लुक नहीं। अब शांजी जो अच्छाई करने लग गई थी अपनी मोहब्बत में आकर, मगर ये अच्छाई थी उसके गले फट गई। और शांजी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये मामला ऐसा हो जाएगा कि ये शराब और फसाद की जड़ ये सजीला ही है। हावर का सारा प्लान ही चौपट रहा। ये सजीला जो फंसने वाली थी बहुत बुरी तरीके से, मगर ये सजीला भी फंसते फंसते रह गई। और इससे पहले वैसे भी इसने डबल गेम खेल ली थी। ये सारा इल्जाम इसने शांजे पर डाल दिया था, वही लड़का जो सजीला के पास आकर मोहब्बत के दावे कर रहा था। आज शानी के साथ गाड़ी में बैठी थी तो अपने सामने देख लिया कि शानी ये तो वही लड़का है जो घर पे आ गया था, लेकिन ये हावर बाई के साथ क्या कर रहा है। तो शानी सजीला के मोहब्बत में वैसे भी दीवाना है, अगर यूं कहा जाए कि बेवकूफ है तो गलत ना होगा। उसी वक्त वहाँ पर चला गया और उस लड़के का ग्रेवान पकड़ लिया। हावर शानी को यहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या कहूँगा, मैं तो पकड़ा गया। अब हावर ने इस बात को छुपाने की कोशिश की, मगर शानी ने हावर के कुछ ना सुनी। वो सीधा जाकर सजीला के पास कि वैसे हावर भाई से बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि उन्होंने ये भी ना सोचा कि पकड़े जाएंगे और तुम्हारे मदद के लिए उसने अपने दोस्त का इस्तेमाल किया। तो शांजी कहती भी है कि कितनी बार कहूँ, ये काम मैंने नहीं किया है और प्लीज इसमें इन्वॉल्व मुझे मत करे। अब जैसे जैसे सजीला ने पट्टी पढ़ाई तो शानी ने वही कह दिया कि तुम तो यही कहोगे कि इस मामले से तुम्हारा कोई भी ताल्लुक नहीं। अब शांजी जो अच्छाई करने लग गई थी अपनी मोहब्बत में आकर, मगर ये अच्छाई थी उसके गले फट गई। और शांजी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये मामला ऐसा हो जाएगा कि ये शराब और फसाद की जड़ ये सजीला ही है। हावर का सारा प्लान ही चौपट रहा। ये सजीला जो फंसने वाली थी बहुत बुरी तरीके से, मगर ये सजीला भी फंसते फंसते रह गई। और इससे पहले वैसे भी इसने डबल गेम खेल ली थी। ये सारा इल्जाम इसने शांजे पर डाल दिया था, वही लड़का जो सजीला के पास आकर मोहब्बत के दावे कर रहा था। आज शानी के साथ गाड़ी में बैठी थी तो अपने सामने देख लिया कि शानी ये तो वही लड़का है जो घर पे आ गया था, लेकिन ये हावर बाई के साथ क्या कर रहा है। तो शानी सजीला के मोहब्बत में वैसे भी दीवाना है, अगर यूं कहा जाए कि बेवकूफ है तो गलत ना होगा। उसी वक्त वहाँ पर चला गया और उस लड़के का ग्रेवान पकड़ लिया। हावर शानी को यहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या कहूँगा, मैं तो पकड़ा गया। अब हावर ने इस बात को छुपाने की कोशिश की, मगर शानी ने हावर के कुछ ना सुनी। वो सीधा जाकर सजीला के पास कि वैसे हावर भाई से बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि उन्होंने ये भी ना सोचा कि पकड़े जाएंगे और तुम्हारे मदद के लिए उसने अपने दोस्त का इस्तेमाल किया। तो शांजी कहती भी है कि कितनी बार कहूँ, ये काम मैंने नहीं किया है और प्लीज इसमें इन्वॉल्व मुझे मत करे। अब जैसे जैसे सजीला ने पट्टी पढ़ाई तो शानी ने वही कह दिया कि तुम तो यही कहोगे कि इस मामले से तुम्हारा कोई भी ताल्लुक नहीं। अब शांजी जो अच्छाई करने लग गई थी अपनी मोहब्बत में आकर, मगर ये अच्छाई थी उसके गले फट गई। और शांजी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये मामला ऐसा हो जाएगा कि ये शराब और फसाद की जड़ ये सजीला ही है।
हावर का सारा प्लान ही चौपट रहा। ये सजीला जो फंसने वाली थी बहुत बुरी तरीके से, मगर ये सजीला भी फंसते फंसते रह गई। और इससे पहले वैसे भी इसने डबल गेम खेल ली थी। ये सारा इल्जाम इसने शांजे पर डाल दिया था, वही लड़का जो सजीला के पास आकर मोहब्बत के दावे कर रहा था। आज शानी के साथ गाड़ी में बैठी थी तो अपने सामने देख लिया कि शानी ये तो वही लड़का है जो घर पे आ गया था, लेकिन ये हावर बाई के साथ क्या कर रहा है। तो शानी सजीला के मोहब्बत में वैसे भी दीवाना है, अगर यूं कहा जाए कि बेवकूफ है तो गलत ना होगा। उसी वक्त वहाँ पर चला गया और उस लड़के का ग्रेवान पकड़ लिया। हावर शानी को यहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या कहूँगा, मैं तो पकड़ा गया। अब हावर ने इस बात को छुपाने की कोशिश की, मगर शानी ने हावर के कुछ ना सुनी। वो सीधा जाकर सजीला के पास कि वैसे हावर बाई से बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि उन्होंने ये भी ना सोचा कि पकड़े जाएंगे और तुम्हारे मदद के लिए उसने अपने दोस्त का इस्तेमाल किया। तो शानजी कहती भी है कि कितनी बार कहूँ, ये काम मैंने नहीं किया है और प्लीज इसमें इन्वॉल्व मुझे मत करे। अब जैसे जैसे सजीला ने पट्टी पढ़ाई तो शानी ने वही कह दिया कि तुम तो यही कहोगे कि इस मामले से तुम्हारा कोई भी ताल्लुक नहीं। अब शांजे जो अच्छाई करने लग गई थी अपनी मोहब्बत में आकर, मगर ये अच्छाई थी उसके गले फट गई। और शांजे को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये मामला ऐसा हो जाएगा कि ये शराब और फसाद की जड़ ये सजीला ही है। हावर का सारा प्लान ही चौपट रहा। ये सजीला जो फंसने वाली थी बहुत बुरी तरीके से, मगर ये सजीला भी फंसते फंसते रह गई। और इससे पहले वैसे भी इसने डबल गेम खेल ली थी। ये सारा इल्जाम इसने शांजे पर डाल दिया था, वही लड़का जो सजीला के पास आकर मोहब्बत के दावे कर रहा था। आज शानी के साथ गाड़ी में बैठी थी तो अपने सामने देख लिया कि शानी ये तो वही लड़का है जो घर पे आ गया था, लेकिन ये हावर बाई के साथ क्या कर रहा है। तो शानी सजीला के मोहब्बत में वैसे भी दीवाना है, अगर यूं कहा जाए कि बेवकूफ है तो गलत ना होगा। उसी वक्त वहाँ पर चला गया और उस लड़के का ग्रेवान पकड़ लिया। हावर शानी को यहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या कहूँगा, मैं तो पकड़ा गया। अब हावर ने इस बात को छुपाने की कोशिश की, मगर शानी ने हावर के कुछ ना सुनी। वो सीधा जाकर सजीला के पास कि वैसे हावर बाई से बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि उन्होंने ये भी ना सोचा कि पकड़े जाएंगे और तुम्हारे मदद के लिए उसने अपने दोस्त का इस्तेमाल किया। तो शानजी कहती भी है कि कितनी बार कहूँ, ये काम मैंने नहीं किया है और प्लीज इसमें इन्वॉल्व मुझे मत करे। अब जैसे जैसे सजीला ने पट्टी पढ़ाई तो शानी ने वही कह दिया कि तुम तो यही कहोगे कि इस मामले से तुम्हारा कोई भी ताल्लुक नहीं। अब शांजे जो अच्छाई करने लग गई थी अपनी मोहब्बत में आकर, मगर ये अच्छाई थी उसके गले फट गई। और शांजे को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये मामला ऐसा हो जाएगा कि ये शराब और फसाद की जड़ ये सजीला ही है। हावर का सारा प्लान ही चौपट रहा। ये सजीला जो फंसने वाली थी बहुत बुरी तरीके से, मगर ये सजीला भी फंसते फंसते रह गई। और इससे पहले वैसे भी इसने डबल गेम खेल ली थी। ये सारा इल्जाम इसने शांजे पर डाल दिया था, वही लड़का जो सजीला के पास आकर मोहब्बत के दावे कर रहा था। आज शानी के साथ गाड़ी में बैठी थी तो अपने सामने देख लिया कि शानी ये तो वही लड़का है जो घर पे आ गया था, लेकिन ये हावर बाई के साथ क्या कर रहा है। तो शानी सजीला के मोहब्बत में वैसे भी दीवाना है, अगर यूं कहा जाए कि बेवकूफ है तो गलत ना होगा। उसी वक्त वहाँ पर चला गया और उस लड़के का ग्रेवान पकड़ लिया। हावर शानी को यहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या कहूँगा, मैं तो पकड़ा गया। अब हावर ने इस बात को छुपाने की कोशिश की, मगर शानी ने हावर के कुछ ना सुनी। वो सीधा जाकर सजीला के पास कि वैसे हावर बाई से बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि उन्होंने ये भी ना सोचा कि पकड़े जाएंगे और तुम्हारे मदद के लिए उसने अपने दोस्त का इस्तेमाल किया। तो शानजी कहती भी है कि कितनी बार कहूँ, ये काम मैंने नहीं किया है और प्लीज इसमें इन्वॉल्व मुझे मत करे। अब जैसे जैसे सजीला ने पट्टी पढ़ाई तो शानी ने वही कह दिया कि तुम तो यही कहोगे कि इस मामले से तुम्हारा कोई भी ताल्लुक नहीं। अब शांजे जो अच्छाई करने लग गई थी अपनी मोहब्बत में आकर, मगर ये अच्छाई थी उसके गले फट गई। और शांजे को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये मामला ऐसा हो जाएगा कि ये शराब और फसाद की जड़ ये सजीला ही है।
खावर का सारा प्लान ही चौपट रहा। ये सजीला जो फंसने वाली थी बहुत बुरी तरीके से, मगर ये सजीला भी फंसते फंसते रह गई। और इससे पहले वैसे भी इसने डबल गेम खेल ली थी। ये सारा इल्जाम इसने शांजे पर डाल दिया था, वही लड़का जो सजीला के पास आकर मोहब्बत के दावे कर रहा था। आज शानी के साथ गाड़ी में बैठी थी तो अपने सामने देख लिया कि शानी ये तो वही लड़का है जो घर पे आ गया था, लेकिन ये हावर बाई के साथ क्या कर रहा है। तो शानी सजीला के मोहब्बत में वैसे भी दीवाना है, अगर यूं कहा जाए कि बेवकूफ है तो गलत ना होगा। उसी वक्त वहाँ पर चला गया और उस लड़के का ग्रेवान पकड़ लिया। हावर शानी को यहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या कहूँगा, मैं तो पकड़ा गया। अब हावर ने इस बात को छुपाने की कोशिश की, मगर शानी ने हावर की कुछ ना सुनी। वो सीधा जाकर सजीला के पास कि वैसे हावर भाई से बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि उन्होंने ये भी ना सोचा कि पकड़े जाएंगे और तुम्हारे मदद के लिए उसने अपने दोस्त का इस्तेमाल किया। तो शानजी कहती भी है कि कितनी बार कहूँ, ये काम मैंने नहीं किया है और प्लीज इसमें इन्वॉल्व मुझे मत करे। अब जैसे जैसे सजीला ने पट्टी पढ़ाई तो शानी ने वही कह दिया कि तुम तो यही कहोगे कि इस मामले से तुम्हारा कोई भी ताल्लुक नहीं। अब शांजे जो अच्छाई करने लग गई थी अपनी मोहब्बत में आकर, मगर यह अच्छाई थे उसके गले फट गई। और शांजे को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये मामला ऐसा हो जाएगा कि ये शराब और फसाद की जड़ ये सजीला ही है। हावर का सारा प्लान ही चौपट रहा। ये सजीला जो फंसने वाली थी बहुत बुरी तरीके से, मगर ये सजीला भी फंसते फंसते रह गई। और इससे पहले वैसे भी इसने डबल गेम खेल ली थी। ये सारा इल्जाम इसने शांजे पर डाल दिया था, वही लड़का जो सजीला के पास आकर मोहब्बत के दावे कर रहा था। आज शानी के साथ गाड़ी में बैठी थी तो अपने सामने देख लिया कि शानी ये तो वही लड़का है जो घर पे आ गया था, लेकिन ये हावर बाई के साथ क्या कर रहा है। तो शानी सजीला के मोहब्बत में वैसे भी दीवाना है, अगर यूं कहा जाए कि बेवकूफ है तो गलत ना होगा। उसी वक्त वहाँ पर चला गया और उस लड़के का ग्रेवान पकड़ लिया। हावर शानी को यहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या कहूँगा, मैं तो पकड़ा गया। अब हावर ने इस बात को छुपाने की कोशिश की, मगर शानी ने हावर की कुछ ना सुनी। वो सीधा जाकर सजीला के पास कि वैसे हावर भाई से बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि उन्होंने ये भी ना सोचा कि पकड़े जाएंगे और तुम्हारे मदद के लिए उसने अपने दोस्त का इस्तेमाल किया। तो शानजी कहती भी है कि कितनी बार कहूँ, ये काम मैंने नहीं किया है और प्लीज इसमें इन्वॉल्व मुझे मत करे। अब जैसे जैसे सजीला ने पट्टी पढ़ाई तो शानी ने वही कह दिया कि तुम तो यही कहोगे कि इस मामले से तुम्हारा कोई भी ताल्लुक नहीं। अब शांजे जो अच्छाई करने लग गई थी अपनी मोहब्बत में आकर, मगर यह अच्छाई थे उसके गले फट गई। और शांजे को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये मामला ऐसा हो जाएगा कि ये शराब और फसाद की जड़ ये सजीला ही है। हावर का सारा प्लान ही चौपट रहा। ये सजीला जो फंसने वाली थी बहुत बुरी तरीके से, मगर ये सजीला भी फंसते फंसते रह गई। और इससे पहले वैसे भी इसने डबल गेम खेल ली थी। ये सारा इल्जाम इसने शांजे पर डाल दिया था, वही लड़का जो सजीला के पास आकर मोहब्बत के दावे कर रहा था। आज शानी के साथ गाड़ी में बैठी थी तो अपने सामने देख लिया कि शानी ये तो वही लड़का है जो घर पे आ गया था, लेकिन ये हावर बाई के साथ क्या कर रहा है। तो शानी सजीला के मोहब्बत में वैसे भी दीवाना है, अगर यूं कहा जाए कि बेवकूफ है तो गलत ना होगा। उसी वक्त वहाँ पर चला गया और उस लड़के का ग्रेवान पकड़ लिया। हावर शानी को यहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या कहूँगा, मैं तो पकड़ा गया। अब हावर ने इस बात को छुपाने की कोशिश की, मगर शानी ने हावर की कुछ ना सुनी। वो सीधा जाकर सजीला के पास कि वैसे हावर भाई से बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि उन्होंने ये भी ना सोचा कि पकड़े जाएंगे और तुम्हारे मदद के लिए उसने अपने दोस्त का इस्तेमाल किया। तो शानजी कहती भी है कि कितनी बार कहूँ, ये काम मैंने नहीं किया है और प्लीज इसमें इन्वॉल्व मुझे मत करे। अब जैसे जैसे सजीला ने पट्टी पढ़ाई तो शानी ने वही कह दिया कि तुम तो यही कहोगे कि इस मामले से तुम्हारा कोई भी ताल्लुक नहीं। अब शांजे जो अच्छाई करने लग गई थी अपनी मोहब्बत में आकर, मगर यह अच्छाई थे उसके गले फट गई। और शांजे को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये मामला ऐसा हो जाएगा कि ये शराब और फसाद की जड़ ये सजीला ही है।
खावर का सारा प्लान ही चौपट रहा। ये सजीला जो फंसने वाली थी बहुत बुरी तरीके से, मगर ये सजीला भी फंसते फंसते रह गई। और इससे पहले वैसे भी इसने डबल गेम खेल ली थी। ये सारा इल्जाम इसने शांजे पर डाल दिया था, वही लड़का जो सजीला के पास आकर मोहब्बत के दावे कर रहा था। आज शानी के साथ गाड़ी में बैठी थी तो अपने सामने देख लिया कि शानी ये तो वही लड़का है जो घर पे आ गया था, लेकिन ये हावर बाई के साथ क्या कर रहा है। तो शानी सजीला के मोहब्बत में वैसे भी दीवाना है, अगर यूं कहा जाए कि बेवकूफ है तो गलत ना होगा। उसी वक्त वहाँ पर चला गया और उस लड़के का ग्रेवान पकड़ लिया। हावर शानी को यहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या कहूँगा, मैं तो पकड़ा गया। अब हावर ने इस बात को छुपाने की कोशिश की, मगर शानी ने हावर के कुछ ना सुनी। वो सीधा जाकर सजीला के पास कि वैसे हावर भाई से बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि उन्होंने ये भी ना सोचा कि पकड़े जाएंगे और तुम्हारे मदद के लिए उसने अपने दोस्त का इस्तेमाल किया। तो शांजी कहती भी है कि कितनी बार कहूँ, ये काम मैंने नहीं किया है और प्लीज इसमें इन्वॉल्व मुझे मत करे। अब जैसे जैसे सजीला ने पट्टी पढ़ाई तो शानी ने वही कह दिया कि तुम तो यही कहोगे कि इस मामले से तुम्हारा कोई भी ताल्लुक नहीं। अब शांजे जो अच्छाई करने लग गई थी अपनी मोहब्बत में आकर, मगर यह अच्छाई से उसके गले फट गई। और शांजे को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये मामला ऐसा हो जाएगा कि ये शराब और फसाद की जड़ ये सजीला ही है। हावर का सारा प्लान ही चौपट रहा। ये सजीला जो फंसने वाली थी बहुत बुरी तरीके से, मगर ये सजीला भी फंसते फंसते रह गई। और इससे पहले वैसे भी इसने डबल गेम खेल ली थी। ये सारा इल्जाम इसने शांजे पर डाल दिया था, वही लड़का जो सजीला के पास आकर मोहब्बत के दावे कर रहा था। आज शानी के साथ गाड़ी में बैठी थी तो अपने सामने देख लिया कि शानी ये तो वही लड़का है जो घर पे आ गया था, लेकिन ये हावर बाई के साथ क्या कर रहा है। तो शानी सजीला के मोहब्बत में वैसे भी दीवाना है, अगर यूं कहा जाए कि बेवकूफ है तो गलत ना होगा। उसी वक्त वहाँ पर चला गया और उस लड़के का ग्रेवान पकड़ लिया। हावर शानी को यहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या कहूँगा, मैं तो पकड़ा गया। अब हावर ने इस बात को छुपाने की कोशिश की, मगर शानी ने हावर के कुछ ना सुनी। वो सीधा जाकर सजीला के पास कि वैसे हावर भाई से बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि उन्होंने ये भी ना सोचा कि पकड़े जाएंगे और तुम्हारे मदद के लिए उसने अपने दोस्त का इस्तेमाल किया। तो शांजी कहती भी है कि कितनी बार कहूँ, ये काम मैंने नहीं किया है और प्लीज इसमें इन्वॉल्व मुझे मत करे। अब जैसे जैसे सजीला ने पट्टी पढ़ाई तो शानी ने वही कह दिया कि तुम तो यही कहोगे कि इस मामले से तुम्हारा कोई भी ताल्लुक नहीं। अब शांजे जो अच्छाई करने लग गई थी अपनी मोहब्बत में आकर, मगर ये अच्छाई से उसके गले फट गई। और शांजे को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये मामला ऐसा हो जाएगा कि ये शराब और फसाद की जड़ ये सजीला ही है। हावर का सारा प्लान ही चौपट रहा। ये सजीला जो फंसने वाली थी बहुत बुरी तरीके से, मगर ये सजीला भी फंसते फंसते रह गई। और इससे पहले वैसे भी इसने डबल गेम खेल ली थी। ये सारा इल्जाम इसने शांजे पर डाल दिया था, वही लड़का जो सजीला के पास आकर मोहब्बत के दावे कर रहा था। आज शानी के साथ गाड़ी में बैठी थी तो अपने सामने देख लिया कि शानी ये तो वही लड़का है जो घर पे आ गया था, लेकिन ये हावर बाई के साथ क्या कर रहा है। तो शानी सजीला के मोहब्बत में वैसे भी दीवाना है, अगर यूं कहा जाए कि बेवकूफ है तो गलत ना होगा। उसी वक्त वहाँ पर चला गया और उस लड़के का ग्रेवान पकड़ लिया। हावर शानी को यहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या कहूँगा, मैं तो पकड़ा गया। अब हावर ने इस बात को छुपाने की कोशिश की, मगर शानी ने हावर के कुछ ना सुनी। वो सीधा जाकर सजीला के पास कि वैसे हावर भाई से बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि उन्होंने ये भी ना सोचा कि पकड़े जाएंगे और तुम्हारे मदद के लिए उसने अपने दोस्त का इस्तेमाल किया। तो शांजी कहती भी है कि कितनी बार कहूँ, ये काम मैंने नहीं किया है और प्लीज इसमें इन्वॉल्व मुझे मत करे। अब जैसे जैसे सजीला ने पट्टी पढ़ाई तो शानी ने वही कह दिया कि तुम तो यही कहोगे कि इस मामले से तुम्हारा कोई भी ताल्लुक नहीं। अब शांजे जो अच्छाई करने लग गई थी अपनी मोहब्बत में आकर, मगर ये अच्छाई से उसके गले फट गई। और शांजे को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये मामला ऐसा हो जाएगा कि ये शराब और फसाद की जड़ ये सजीला ही है।
खावर का सारा प्लेन ही चौपट रहा। ये सजीला जो फंसने वाली थी बहुत बुरी तरीके से, मगर ये सजीला भी फंसते फंसते रह गई। और इससे पहले वैसे भी इसने डबल गेम खेल ली थी। ये सारा इल्जाम इसने शांजे पर डाल दिया था, वही लड़का जो सजीला के पास आकर मोहब्बत के दावे कर रहा था। आज शानी के साथ गाड़ी में बैठी थी तो अपने सामने देख लिया कि शानी ये तो वही लड़का है जो घर पे आ गया था, लेकिन ये हावर बाई के साथ क्या कर रहा है। तो शानी सजीला के मोहब्बत में वैसे भी दीवाना है, अगर यूं कहा जाए कि बेवकूफ है तो गलत ना होगा। उसी वक्त वहाँ पर चला गया और उस लड़के का ग्रेवान पकड़ लिया। हावर शानी को यहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या कहूँगा, मैं तो पकड़ा गया। अब हावर ने इस बात को छुपाने की कोशिश की, मगर शानी ने हावर के कुछ ना सुनी। वो सीधा जाकर सजीला के पास कि वैसे हावर बाई से बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि उन्होंने ये भी ना सोचा कि पकड़े जाएंगे और तुम्हारे मदद के लिए उसने अपने दोस्त का इस्तेमाल किया। तो शांजी कहती भी है कि कितनी बार कहूँ, ये काम मैंने नहीं किया है और प्लीज इसमें इन्वॉल्व मुझे मत करे। अब जैसे जैसे सजीला ने पट्टी पढ़ाई तो शानी ने वही कह दिया कि तुम तो यही कहोगे कि इस मामले से तुम्हारा कोई भी ताल्लुक नहीं। अब शांजे जो अच्छाई करने लग गई थी अपनी मोहब्बत में आकर, मगर ये अच्छाई थे उसके गले फट गई। और शांजे को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये मामला ऐसा हो जाएगा कि ये शराब और फसाद की जड़ ये सजीला ही है। हावर का सारा प्लान ही चौपट रहा। ये सजीला जो फंसने वाली थी बहुत बुरी तरीके से, मगर ये सजीला भी फंसते फंसते रह गई। और इससे पहले वैसे भी इसने डबल गेम खेल ली थी। ये सारा इल्जाम इसने शांजे पर डाल दिया था, वही लड़का जो सजीला के पास आकर मोहब्बत के दावे कर रहा था। आज शानी के साथ गाड़ी में बैठी थी तो अपने सामने देख लिया कि शानी ये तो वही लड़का है जो घर पे आ गया था, लेकिन ये हावर बाई के साथ क्या कर रहा है। तो शानी सजीला के मोहब्बत में वैसे भी दीवाना है, अगर यूं कहा जाए कि बेवकूफ है तो गलत ना होगा। उसी वक्त वहाँ पर चला गया और उस लड़के का ग्रेवान पकड़ लिया। हावर शानी को यहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या कहूँगा, मैं तो पकड़ा गया। अब हावर ने इस बात को छुपाने की कोशिश की, मगर शानी ने हावर के कुछ ना सुनी। वो सीधा जाकर सजीला के पास कि वैसे हावर बाई से बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि उन्होंने ये भी ना सोचा कि पकड़े जाएंगे और तुम्हारे मदद के लिए उसने अपने दोस्त का इस्तेमाल किया। तो शांजी कहती भी है कि कितनी बार कहूँ, ये काम मैंने नहीं किया है और प्लीज इसमें इन्वॉल्व मुझे मत करे। अब जैसे जैसे सजीला ने पट्टी पढ़ाई तो शानी ने वही कह दिया कि तुम तो यही कहोगे कि इस मामले से तुम्हारा कोई भी ताल्लुक नहीं। अब शांजे जो अच्छाई करने लग गई थी अपनी मोहब्बत में आकर, मगर ये अच्छाई थे उसके गले फट गई। और शांजे को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये मामला ऐसा हो जाएगा कि ये शराब और फसाद की जड़ ये सजीला ही है। हावर का सारा प्लान ही चौपट रहा। ये सजीला जो फंसने वाली थी बहुत बुरी तरीके से, मगर ये सजीला भी फंसते फंसते रह गई। और इससे पहले वैसे भी इसने डबल गेम खेल ली थी। ये सारा इल्जाम इसने शांजे पर डाल दिया था, वही लड़का जो सजीला के पास आकर मोहब्बत के दावे कर रहा था। आज शानी के साथ गाड़ी में बैठी थी तो अपने सामने देख लिया कि शानी ये तो वही लड़का है जो घर पे आ गया था, लेकिन ये हावर बाई के साथ क्या कर रहा है। तो शानी सजीला के मोहब्बत में वैसे भी दीवाना है, अगर यूं कहा जाए कि बेवकूफ है तो गलत ना होगा। उसी वक्त वहाँ पर चला गया और उस लड़के का ग्रेवान पकड़ लिया। हावर शानी को यहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या कहूँगा, मैं तो पकड़ा गया। अब हावर ने इस बात को छुपाने की कोशिश की, मगर शानी ने हावर के कुछ ना सुनी। वो सीधा जाकर सजीला के पास कि वैसे हावर बाई से बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि उन्होंने ये भी ना सोचा कि पकड़े जाएंगे और तुम्हारे मदद के लिए उसने अपने दोस्त का इस्तेमाल किया। तो शांजी कहती भी है कि कितनी बार कहूँ, ये काम मैंने नहीं किया है और प्लीज इसमें इन्वॉल्व मुझे मत करे। अब जैसे जैसे सजीला ने पट्टी पढ़ाई तो शानी ने वही कह दिया कि तुम तो यही कहोगे कि इस मामले से तुम्हारा कोई भी ताल्लुक नहीं। अब शांजे जो अच्छाई करने लग गई थी अपनी मोहब्बत में आकर, मगर ये अच्छाई थे उसके गले फट गई। और शांजे को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये मामला ऐसा हो जाएगा कि ये शराब और फसाद की जड़ ये सजीला ही है।
खावर का सारा प्लेन ही चौपट रहा। ये सजीला जो फंसने वाली थी बहुत बुरी तरीके से, मगर ये सजीला भी फंसते फंसते रह गई। और इससे पहले वैसे भी इसने डबल गेम खेल ली थी। ये सारा इल्जाम इसने शांजे पर डाल दिया था, वही लड़का जो सजीला के पास आकर मोहब्बत के दावे कर रहा था। आज शानी के साथ गाड़ी में बैठी थी तो अपने सामने देख लिया कि शानी ये तो वही लड़का है जो घर पे आ गया था, लेकिन ये हावर बाई के साथ क्या कर रहा है। तो शानी सजीला के मोहब्बत में वैसे भी दीवाना है, अगर यूं कहा जाए कि बेवकूफ है तो गलत ना होगा। उसी वक्त वहाँ पर चला गया और उस लड़के का ग्रेवान पकड़ लिया। हावर शानी को यहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या कहूँगा, मैं तो पकड़ा गया। अब हावर ने इस बात को छुपाने की कोशिश की, मगर शानी ने हावर के कुछ ना सुनी। वो सीधा जाकर सजीला के पास कि वैसे हावर बाई से बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि उन्होंने ये भी ना सोचा कि पकड़े जाएंगे और तुम्हारे मदद के लिए उसने अपने दोस्त का इस्तेमाल किया। तो शानजी कहती भी है कि कितनी बार कहूँ, ये काम मैंने नहीं किया है और प्लीज इसमें इन्वॉल्व मुझे मत करे। अब जैसे जैसे सजीला ने पट्टी पढ़ाई तो शानी ने वही कह दिया कि तुम तो यही कहोगे कि इस मामले से तुम्हारा कोई भी ताल्लुक नहीं। अब शांजे जो अच्छाई करने लग गई थी अपनी मोहब्बत में आकर, मगर ये अच्छाई थी उसके गले फड़ गई। और शांजे को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये मामला ऐसा हो जाएगा कि ये शराब और फसाद की जड़ ये सजीला ही है। हावर का सारा प्लान ही चौपट रहा। ये सजीला जो फंसने वाली थी बहुत बुरी तरीके से, मगर ये सजीला भी फंसते फंसते रह गई। और इससे पहले वैसे भी इसने डबल गेम खेल ली थी। ये सारा इल्जाम इसने शांजे पर डाल दिया था, वही लड़का जो सजीला के पास आकर मोहब्बत के दावे कर रहा था। आज शानी के साथ गाड़ी में बैठी थी तो अपने सामने देख लिया कि शानी ये तो वही लड़का है जो घर पे आ गया था, लेकिन ये हावर बाई के साथ क्या कर रहा है। तो शानी सजीला के मोहब्बत में वैसे भी दीवाना है, अगर यूं कहा जाए कि बेवकूफ है तो गलत ना होगा। उसी वक्त वहाँ पर चला गया और उस लड़के का ग्रेवान पकड़ लिया। हावर शानी को यहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या कहूँगा, मैं तो पकड़ा गया। अब हावर ने इस बात को छुपाने की कोशिश की, मगर शानी ने हावर के कुछ ना सुनी। वो सीधा जाकर सजीला के पास कि वैसे हावर बाई से बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि उन्होंने ये भी ना सोचा कि पकड़े जाएंगे और तुम्हारे मदद के लिए उसने अपने दोस्त का इस्तेमाल किया। तो शानजी कहती भी है कि कितनी बार कहूँ, ये काम मैंने नहीं किया है और प्लीज इसमें इन्वॉल्व मुझे मत करे। अब जैसे जैसे सजीला ने पट्टी पढ़ाई तो शानी ने वही कह दिया कि तुम तो यही कहोगे कि इस मामले से तुम्हारा कोई भी ताल्लुक नहीं। अब शांजे जो अच्छाई करने लग गई थी अपनी मोहब्बत में आकर, मगर ये अच्छाई थी उसके गले फट गई।